सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रेणुका हायस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्रीहरा लिहंभी, विषय हिंदी, कक्षा 9, लेक्चर नंबर 18, टॉपिक नेम जंगल। इस पाठ का आज हम अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। पाठ का नाम है जंगल और लेखक है चित्रा मुदगल। तो इस पाठ का आज हम अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। तो चित्रा मुदगल का परिचय, जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई तमिलनाडु। चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रिचती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियाँ एक जमीन अपनी, उसके बाद आवा आदि उपन्यास है, भूख लाक्षाग्रह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी आदि अनादि, ये उनके कहानी संग्रह है। जीवन मणिमेघ आदि बाल उपन्यास है, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह है। उसके बाद गद्य संबंधी, तो इस गद्य संबंधी में संवादात्मक कहानी, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुत संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूति, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो प्रत्यक्ष रूप में पाठ शुरू कर रहे हैं कि रीडर अन्निमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। तो तविशा ने रीडर अन्निमा जोशी के मोबाइल पर फोन किया था, कह रही थी आंटी बहुत जरूरी काम है। तविशा कह रही थी फोन पर कि आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे, ऐसी तविशा कह रही है। अन्निमा दीदी ने फोन पर बात करने से असमर्थता बताई। इसका कारण आगे दिया गया है, मांडवी दीदी कक्षा ले रही है और इस वक्त मांडवी दीदी कक्षा ले रही है। बाहर आते ही वह संदेशा उन्हें देगी और बाहर आते ही वह उन्हें तुम्हारा संदेशा दे देगी। वैसे हुआ क्या है प्रश्न चिन्ह, घर में सब कुशल मंगल तो है प्रश्न चिन्ह, तो ऐसा हुआ क्या है, घर में सब कुछ ठीक है ना, तो ऐसा रीडर अन्निमा जोशी ने तविशा से पूछा। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया आंटी अम्मा से बात हो जाए तो अच्छा होगा। अन्निमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा और इस प्रकार अन्निमा जोशी को तविशा को टालना बुरा लगा, उचित नहीं लगेगा। तविशा अनुशासन का
अनुशासन भंग होगा, और जो नियम है अनुशासन यानी नियम का भंग होगा, मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी और मुझे बताने में संकोच कैसा, ऐसा अन्यमा जोशी ने तविशा से कहा। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। और इस प्रकार तविशा कह रही है कि आंटी कोई ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भरासा आया, और तविशा का स्वर भरासा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, और घर में जो खरगोश के जो जुड़वा बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, और उन खरगोशों के नाम छोटे छोटे जो बच्चे हैं खरगोश के, उसका एक का नाम सोनू है और एक का नाम मोनू है, उनमें से सोनू नहीं रहा। सोनू नहीं रहा इसका मतलब सोनू की मृत्यु हो गई है। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई, और 10:30 के बजे झाड़ू पोछा करने वाली कमला काम पर आई है, तो बैठक बुहारते यानी स्वच्छ करते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जो छोटा खरगोश का बच्चा है सोनू, उस पर कमला की नज़र पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया, और जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, यानी सोनू मृत पड़ा हुआ था, उस पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, यानी कैसे निश्चिंत होकर सोनू सो रहा है, ऐसा कमला कह रही है। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। उसकी हलचल कोई नहीं हुई है। वह मृत्युमुखी होकर पड़ा हुआ था। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, तो काम वाली कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा। छोटी बीजी तविशा आचेत सोनू को, तविशा आचेत सोनू को, और इस प्रकार तविशा आचेत सोनू को देख घबरा गई, तो तविशा भी घबरा गई है। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। कोपल यानी पेड़ के जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसके समान उसकी देह कोमल लग रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। तविशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं, यानी उनके घर के आसपास कोई जानवरों का डॉक्टर नहीं है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टरों को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। तविशा ने बच्चों का जो डॉक्टर होते हैं उनको घर पर बुलाया और सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में, यानी सोनू की मृत्यु हो गई है, उसमें कोई प्राण नहीं है। आंटी, आप अम्मा को जल्द घर भेज दें। तो इस प्रकार यह सब तविशा ने अन्निमा जोशी को बताया है फोन पर, और अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे के बाद प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। पीयूष छोटा बच्चा है जो हर रोज सोनू मोनू के साथ खेलता है, और वह प्ले ग्रुप से 1 घंटे के बाद घर पहुंच जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची, और इस प्रकार बाद में मांडवी दी घर पर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू नीचेष्ट पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार सोनू की मृत्यु हो गई है, इसके कारण वो नीचेष्ट रूप से फर्श पर पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष छोटा है बच्चा,
और वह गुमसुम होकर उस सोनू के पास बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाए ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। तो जो मोनू है, दूसरा खरगोश, वो जीवित है। वो सोनू की परिक्रमा कर रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है, कभी दाए तो कभी बाए, और वह इधर से उधर वह मोनू दौड़ रहा है, कभी बाए से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा, और पीयूष स्तब्ध बैठा हुआ था, उसकी स्तब्धता तोड़ना बहुत जरूरी था। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है, और मौत क्या होती है इसके बारे में, मृत्यु क्या होती है इसके बारे में पीयूष को मालूम नहीं है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाते ही और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। और इस प्रकार अगर कोई बाहर से आ जाए तो पीयूष और सोनू मोनू दोनों खरगोश उस दरवाजे की तरफ जाते, दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। खोल तो पीयूष ही पाता था, क्योंकि पीयूष बड़ा था उनमें से, वो दरवाज़ा पीयूष खोल ही पाता था, मगर मुँह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। तो इस प्रकार वे दोनों खरगोश के छोटे बच्चे पीयूष के नन्हे हाथों पर अपने पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया, यानी दीदी दादी ने। पीयूष रोने लगा है, इस वक्त पीयूष को दुख हुआ है, वो रोने लगा है। दादी ए सोनू को क्या हो गया, दादी ने उसने प्रश्न पूछा है दादी से, अपने दादी से, इस छोटे से पीयूष को क्या हो गया, सॉरी इस सोनू को क्या हो गया है, जो खरगोश का बच्चा है सोनू, उसको क्या हो गया है। सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना, और सोनू अगर बीमार है तो उसे डॉक्टर को यहाँ पर घर पर बुलाओ और उसको दिखाओ। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। तो इस प्रकार छोटा सा पीयूष है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, वो अम्मी ने उसे बताया था कि सोनू मर गया है, तो इसलिए वो दादी से कह रहा है कि अम्मी अच्छी नहीं है ना, तो वह तो कहती है कि सोनू मर गया है। वह रुदे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। दादी पीयूष को समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा, अगर पीयूष रोएगा तो सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना, अरे जो सोनू है हमेशा पीयूष को हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि से आंसुओं से भरी हुई। तो मोनू को भी बहुत दुख हुआ है, मोनू को ये भी आंखों में आंसू है। जानवर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। तो इस प्रकार मोनू रो रहा है, किसी जानवर को रोते हुए उन्होंने पहली बार देखा है। मोनू का हथेली में हल्के हल्के
हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा उन्होंने सीने को सटा लिया यानी उन्होंने मोनू को अपने सीने से लगा लिया है। हिचकिचाया भर रहा था मोनू, यानी आदमी जैसा रोता है वैसा मोनू रो रहा है। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। तो अनिमा जोशी के मोबाइल से ही उन्होंने जो बेटा है उनका शैलेश उनको समाचार देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो उन्हें शंका है अनिमा जोशी को कि जो तविशा है वो परेशान थी, उसने अपने पति शैलेश को फोन किया या न किया हो। शैलेश ने कहा था ऐसा करे अम्मा घर पहुंच ही रही है अम्मा घर पर पहुंच ही रही है आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। तो ये गलत निर्णय था शैलेश का, तो उसने कहा गलत सुझाव था कि सोनू को उठा लिया जाए और उसकी जो देह है वह जो अपार्टमेंट है और उस जो अपार्टमेंट का चौकीदार है उसे बुलाकर कह देना और उसे अपार्टमेंट से लगे जो नाले है वहाँ पर उसे फिकवा दिया जाए, ऐसा शैलेश ने कहा। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। तो शैलेश को फोन पर ही कह दिया गया था कि आप छुट्टी लेकर घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। तो इस प्रकार सोनू को नाले में वह हरगिज नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है और जो पीयूष है वह खरगोश का जो छोटा बच्चा है सोनू उसको बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अभूत मन के जिन सवालों से पूरे घर को टुकारना होगा उसे संभालना कठिन होगा। तो इस प्रकार अगर सोनू पीयूष को नहीं दिखाई देगा तो पीयूष को संभालना बहुत कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही बेखबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। जिस प्रकार छोटी बच्चे की मृत्यु होती है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है उसी प्रकार सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं शैलेश ने कहा था और जल्दी ही घर पहुंचता हूं ऐसे शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था। तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। और उन्होंने पीयूष को समझा दिया था कि सोनू की मृत्यु हो गई है उसे जमीन में गाड़ने जा रहे हैं।
तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी उसके दिल में दुख क्यों था? तो इस प्रकार पीयूष ने प्रश्न पूछा है दादी से कि उसके दिल में दुख क्यों था। उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया और जो सोनू मोनू है वो छोटे छोटे बच्चे थे खरगोश के, उसे अपनी माँ से अलग कर दिया था इसलिए वे दुखी थे। किसने किया दादी? और उन दोनों बच्चों को, खरगोश के बच्चों को किसने अलग कर दिया था? तो ऐसा सवाल पीयूष ने अपनी दादी से किया था। पाठ का जो अंतिम भाग है, शेष भाग, वो बाद में हम देखने वाले हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 19, पाठ का नाम है जंगल। इसका शेष भाग हम अगली बार देखेंगे।